स्थिति गर्दानी बाग में जो आंदोलन हुआ था, दो खेमे में जो बटा हुआ टीम है, दोनों खेमे की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, एक ही प्लेस पे अलग अलग टीम में बटा हुआ था। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है, हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक पात्रता परीक्षा है, और एक केस में नहीं कहा है, तीन तीन केस में ऐसा कह दिया गया है, तो न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं, न्यायालय का आदेश ही अंतिम आदेश होता है, उसको सरकार को भी मानना पड़ता है। तो हम लोग एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। तो जब सरकार जो है कोर्ट का बात इग्नोर नहीं कर सकता है, कोर्ट का आदेश को फॉलो करता है सरकार, तो हम स्पष्ट रूप से ये कहते हैं सभी विद्यार्थी से, जो भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, कि आप जो है कुछ अभ्यर्थी के बातों में क्यों फंस रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम एसटीटी के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन बीते दिनों चला था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आंदोलन जो है वो अब स्थगित हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए अभी आशीष हैं, एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। आशीष, लगातार आंदोलन आप लोगों ने किया था, क्या कुछ निराकरण निकला, क्या कुछ संदेश आया बिहार की तरफ से? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि NBC 24 जो है एसटीटी का जो आवाज़ है वो मुखरता से उठा रहा है, इस तरह से कोई भी मीडिया चैनल इस तरह से आवाज़ को नहीं उठा रहा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ देखिए, जो आप आंदोलन का बात किए हैं, एसटीटी गर्दनीबाग में जो आंदोलन हुआ था, दो खेमे में जो बटा हुआ टीम है, दोनों खेमे की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, एक ही प्लेस पर अलग अलग टीम में बटा हुआ था। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है, हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक पात्रता परीक्षा है, और एक केस में नहीं कहा है, तीन तीन केस में ऐसा कह दिया गया है, तो न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं, न्यायालय का आदेश ही अंतिम आदेश होता है, उसको सरकार को भी मानना पड़ता है। तो हम लोग एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। तो जब सरकार जो है कोर्ट का बात इग्नोर नहीं कर सकता है, कोर्ट का आदेश को फॉलो करता है सरकार, तो हम स्पष्ट रूप से ये कहते हैं सभी विद्यार्थी से, जो भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, कि आप जो है कुछ अभ्यर्थी के बातों में क्यों फंस रहे हैं, आप अलग अलग खेमे बना करके क्यों आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है एकजुट होकर के होना चाहिए। जो आंदोलन आप देख रहे हैं, जो गर्दनीबाग में हो रही है, इसमें आंदोलन का उद्देश्य कुछ नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य समझिए बस एक ही चीज़ है, पैसा कमाना। आंदोलन एक आंदोलन से 15-20 हज़ार कमा लिया, फिर उसके बाद चला गया, फिर एक महीना उस पैसा से चलेगा उन लोग का खर्चा पाने, फिर उसके बाद आया। अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि मार्क्स बेसिस पे बहाली हो, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मार्क्स बेसिस पे देखिए, सिर्फ एसटीटी जो है ये एक पात्रता परीक्षा है, और इसके पात्रता परीक्षा का अंक कभी भी मेधा सूची का आधार नहीं होता है। आप चाहे आप प्रोफेसर का नियुक्ति देख लीजिए, नेट का एग्ज़ाम होता है, UGC एग्ज़ाम लेती है, तो उसमें उस अंक उसको आधार नहीं बनाया जाता है। इसलिए इसमें कभी भी एसटीटी मार्क्स पे बहाली संभव नहीं है। 2020 का जो नियमावली है उस आधार पे बहाली होगी। ये पूरे बिहार के अभ्यर्थी को ये चीज़ समझना पड़ेगा, चाहे दो खेमे में बटा है उनको एकजुट होना पड़ेगा। और जो स्टेट 2020 के नियमावली में है, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट लिखा है, जो BED का जो अंक प्राप्तांक है, और उसके बाद जो BED का प्राप्तांक और ग्रेजुएशन का जो प्राप्तांक है माध्यमिक के लिए, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो उसी के आधार पर मेधा सूची बनेगा। और उसके बाद +2 के लिए जो है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप मार्क्स लाए हैं और जो BED का जो परसेंटेज है, उन दोनों के आधार पर आपका मेधा सूची बनेगा। तो स्टेट मार्क के आधार पर कभी बहाली संभव ही नहीं है, पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पर कभी बहाली संभव नहीं होता, कभी संभव नहीं है। आशीष जी, लखीसराय से एक वीडियो निकल के आया सामने, जहाँ DM साहब जो हैं वहाँ के जो हेडमास्टर है उन पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे, गुस्सा हो गए थे उनसे, और कह रहे थे कि ये कोई ड्रेस है क्या जो आपने पहन के आया है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले इस तरह का प्रश्न जो वहाँ के जो DM साहब किए हैं, और जिस तरह से उस शिक्षक को जो बेइज्जत किए हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो कि आप DM साहब हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, लेकिन वो विद्यालय चला रहे हैं, विद्यालय हेडमास्टर हैं वो। आप सबसे पहले जो उनका जो बात करने का शैली देखिएगा, उस शिक्षक से बात करने का शैली DM साहब का सही नहीं है। और जहाँ तक ड्रेस कोड का बात है, एक समय में जो है शिक्षक आते थे धोती कुर्ता पहन के, बिल्कुल, तब क्या चाहते हैं कभी जो है शिक्षक धोती कुर्ता पहन के आए? अगर वो कुर्ता पैजामा पहने हैं, इसमें क्या खराबी है? अगर आप टीचर के लिए कोई ड्रेस कोड लागू किए हैं क्या? अगर आप ड्रेस कोड लागू कर दीजिए, आप आग्रह कीजिए सरकार से ना, कि जो शिक्षक हैं, जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके लिए ड्रेस कोड लागू कर दीजिए, इस ड्रेस में वो विद्यालय आएंगे। उसके बाद अगर किसी वो अन्य ड्रेस में आते हैं, तब उन पर आप कार्रवाई करिए, किसी तरह का बात बोलिए। और उसके बाद करें पंखा नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो DM साहब तो खुद बोल रहे हैं जो विकास का जो फंड है वो जो है एक साल से नहीं मिला है विद्यालय को, तो कोई कैसे आपका, वो DM साहब खुद ये इस चीज़ को बोल रहे हैं। उस बात को आप सही तरीके से भी रख सकते हैं अभिषेक जी, आप डांट करके जिस तरह से हेडमास्टर को डांट रहे हैं, वो
शिक्षा बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करते हैं, बताइए उस छात्र के सामने उस शिक्षा का क्या इमेज रह गया है? इस तरह से बात करना कहीं उचित नहीं है। और हम कहते हैं इस तरह के जो भी डीएम है, डीएम साहब ने आकर के सफाई दी है मीडिया के माध्यम से, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ वो गलत हुआ। शिक्षक हैं, सम्मान करना चाहिए था। सभी लोग जानते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। और देखिए कहीं भी और दूसरे विद्यालय में आता है क्या, जो कि विद्यालय ये कुछ शिक्षक हैं जो कि उनसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है, वो नहीं बता सकते। तो स्टेट के 19 के एक अभ्यर्थी हैं जो मानसिक रूप से वो विकलांग है जी, स्पष्ट रूप से पूरा बिहार जानता है, वो स्टेट के 19 के अभ्यर्थी हैं और अपने आप को मेरिट में कहते हैं। वो मानसिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी है जो पूरे बिहार के शिक्षक को जो है बदनाम करने का कोशिश करता है कि विद्यालय में शिक्षक है, उसको बदनाम करने का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा है, कहीं से सही नहीं है। उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आप जो किसी से कुछ पूछा जाता है, अगर ठीक है मान लीजिए कोई अगर हिंदी के शिक्षक होंगे, हो सकता है अगर वो इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं जान रहे हैं। अगर किसी शिक्षक को कह दिया जाए कि आप रशियन में ट्रांसलेट करिए, आप रशियन में ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा, जर्मन में ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, तो आप कुछ जानते ही नहीं है। अपनी मातृभाषा में अगर उसको जानकारी है, पढ़ा रहा है, हिंदी में अगर पढ़ा रहा है, तो कहीं से गलत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर उसके पास अगर इस तरह की समस्या आई तो इसको इतना इश्यू नहीं बनाना चाहिए। तो वो पूरे बिहार के जितना भी विद्यालय में शिक्षक है, पोस्टेड है, उनकी वो बेइज्जती करते हैं। कभी स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो और कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं मानसिक रूप से विकलांग। सही मायने में मानसिक रूप से विकलांग जो है वही स्टेट के मेरिट आधारित अभ्यर्थी जो पटना के सड़कों पर घूमते रहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये आप जो है ये एसटीटी में जो चंदा का काम कर रहे हैं ये बंद कीजिए, और आपका ये काम चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। अब आपका दुकान बंद होने वाला है। कभी अभ्यर्थी समझ गया है आप लोग क्यों रोड पे आते हैं? पैसा मिल गया शांति से बैठ जाते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए रोड पे बोकते रहते हैं। तो आप जो है एसटीटी का कल्याण नहीं कर रहे, एसटीटी को डुबाने का काम कर रहे हैं। और अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता और बिहार के जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 6th चरण के जो भी टीचर का नियुक्ति हुआ है उसको जा करके देखिए, जो विद्यालय में पठन पाठन का काम किस तरह से कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे जो 7वें चरण की जो प्रक्रिया होगी, उसमें जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो नियुक्ति होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभिषेक जी, जो प्राइवेट विद्यालय से छोड़ करके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे और बिहार पे गर्व करेगा। और आप ही लोग चैनल से दिखाइएगा अभिषेक जी, NBC 24 इस चैनल न्यूज़ को दिखाएगा कि दिखाएंगे जो कि जो 7वें चरण में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है, 6ठे चरण में जो प्रक्रिया हुई है, और पहले से जो शिक्षक है, और ये सभी मिलकर के विद्यालय को कितने अच्छे से चला रहे हैं, ये पूरे बिहार इस चीज़ को देखेगा और ये शिक्षा को बहुत आगे ले जाएगा। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और बिहार के बच्चों को आगे ले जाने का काम करेंगे जितने भी अभ्यर्थी नियुक्त होंगे, ये देखेंगे। और जो जिसको बोलते हैं ये मानसिक रूप से विकलांग बिहार शिक्षक अभ्यर्थी को, फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको कहना चाहता हूँ, आप समझ जाइए। और बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है और बिहार के शिक्षक का अपमान आपको करने का कोई अधिकार नहीं है, और स्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। और आप ये इस रास्ते को बदलिए और सही मार्ग पे चलिए। आपको संविधान या कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी को इस तरह का इजाजत नहीं देता है किसी को मानसिक रूप से विकलांग कहिए, किसी को कुछ बोलिए। अगर हम शिक्षा और शिक्षा विभाग से ये भी मांग करते हैं, देखिए उनको प्रशिक्षण का जरूरत है, क्योंकि बीएड वो किए नहीं है, वो स्टेट के जो वो जो मेरिटधारी सड़क पे घूमते रहते हैं तब वो प्रशिक्षित नहीं है, उनको नैतिक शिक्षा की जरूरत है। बीएड नहीं किए, बीएड करते तो उनको जो है ये सब तरह का शिक्षा मिलता, नैतिक शिक्षा क्या होती है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बात करना है, उनको बताया जाता। लेकिन वो कुछ से कुछ आकर के बोलते रहते हैं बेवजह। कभी मोदी जी आएंगे तो चर्चा में बने रहने के लिए विधानसभा का घेराव करने चले जाते हैं, तो उनको एसटीटी से मतलब नहीं है। अरे मोदी जी आ रहे हैं, वो मुद्दा क्या है, विधानसभा का शताब्दी समारोह मन रहा है, आप उसमें एसटीटी मुद्दा लेकर के क्या करिएगा जा करके? तो बेवजह इस चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को इग्नोर करिए, चाहे 2 खंभे में बटा हुआ है, जो भी आपसे पैसा मांगता है एसटीटी के नाम पे, आप उसको पैसा नहीं दीजिए। हमारा स्पष्ट है, कोई भी अकाउंट नंबर जारी हो आप पैसा नहीं दीजिए, पैसा किसी को नहीं देना है। आप प्रेजेंट होइए, एक दिन प्रेजेंट होइए, पटना में सभी दिन नहीं आना है किसी को, किस कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है। आप पटना की सड़क पे एक बार एक दिन प्रेजेंट होइए, पटना में सभी दिन नहीं आना है किसी को, किस कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है। आप पटना की सड़क पे एक बार एक साथ सभी अभ्यर्थी उतर जाइए, नोटिफिकेशन आ जाएगी, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपने सुना आशीष थे एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी, इनका क्या कुछ कहना था? देखिए सीधा सीधा इनका साफ कहना है कि जो लोग आरोप लगाते हैं और जिस तरीके से बोलते हैं कि आपकी बहाली नहीं होगी, कहीं ना कहीं यह गलत है। वहीं जिस तरीके से लखीसराय से जो वीडियो निकल के आया उसको लेकर आशीष ने यह साफ कहा कि इसका निर्णय लेने के लिए किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पहले
इस जमाने में जिस तरीके से शिक्षक जो रहते थे वो धोती कुर्ता पहनते थे और कुर्ता पैजामा अगर पहने हैं तो क्या ही उन्होंने गलत किया। और उनकी जो हिंदी है वो मातृभाषा है, अगर इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं बता पाया तो क्या ही गलत है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आशीष का यह साफ कहना था कि किसी पे ज़्यादा भरोसा ना करें, एक साथ आएँ और प्रदर्शन अगर करना ही है तो डायरेक्ट पटना पहुँचें, जो भी होगा सड़क पर उतर के देखें और जो भी सहयोग होगा तब करें। फिलहाल आशीष क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।